After traveling through Southeast Asia for the last 5 months, आज हम अपनी पहली मुस्लिम कंट्री को विजिट करेंगे एंड ऑफ कोर्स हम हलाल फूड के लिए सुपर एक्साइटेड हैं और आज फाइनली हम पहली दफ़ा मलेशियन मैकडोनल्ड्स एक्सपीरियंस करेंगे. कीप ऑन वॉचिंग. तो देखते हैं कि क्या क्या है मलेशियन मैकडोनल्ड्स के मेन्यू में. क्या है यहाँ पे अंडे नज़र आना शुरू हो गए हमें. Just to get an idea of how saucy it is, ये सॉस है. सुबह बखैर. तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हनोई में और हनोई हम लोग कल पहुंचे थे हलोंग बे से. शाम का सफ़र था हमारा, बहुत आराम से सुकून से हम लोग यहाँ आ गए थे. यहाँ आने के बाद हमने ओल्ड क्वार्टर में जो है वो एक होटल बुक किया था और ओल्ड क्वार्टर में बुक करने की वजह ये थी कि जाहिर है अब यहाँ से जाने का टाइम है. हम वियतनाम को खैरबाद कह के एक नए मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने ये सोचा कि ओल्ड क्वार्टर से ज़्यादा बेहतर जगह नहीं है हनोई में रुकने के लिए और वो फील लेने के लिए वियतनाम की एक लास्ट टाइम. आज हमारी फ़्लाइट है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक नए मुल्क जिसका नाम है मलेशिया. और मलेशिया के कैपिटल से हम लोग अपना सफर शुरू करेंगे. कुआलालंपुर हम लोग जा रहे हैं हनोई से. वियतनाम आके यहाँ की जो वियतनामीज कॉफ़ी पी के हम पागल हो गए थे, स्पेशली द कोकोनट कॉफ़ी. तो हमने यही सोचा कि अभी फ्लाइट में एक दो घंटे हैं सो लेट्स गो एंड गेट कोकोनट कॉफ़ी. और ये जो लास्ट टाइम हसल बसल एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं ओल्ड टाउन की, ये हमें बहुत याद आएगी. यहाँ के लोग मुझे वार्म, फ्रेंडली, वेलकमिंग फील हुए, एक्सट्रीमली लवली. इवन तो यहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं, आई स्टिल फील के वो रॉनेस है. लोग बहुत जेन्युइनली आपको ग्रीट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं. दैट्स वन थिंग आई एक्सपीरियंस हियर. इट्स बीन अमेजिंग हियर. दैट्स कूल. अच्छा, इन सीरियो से बेहतर आई थिंक ओल्ड टाउन की फील नहीं हमें आ सकती थी इस वक्त. यहाँ पे कैफे. वियतनाम की पूरी जर्नी एंड करने की ये बेस्ट एक जगह है बिकॉज ये टिपिकल वियतनामीज काइंड ऑफ कैफ़े है. यहाँ पे वियतनामीज कॉफ़ी मिल रही है और इस बैल्कनी में बैठ के जो मज़ा आ रहा है व्यू का, मतलब इधर एसी नहीं है, ठंडी हवाएं हैं, लेकिन नीचे लोगों को देख के, लोकल्स को देख के, कोई अपनी बाइक पे जा रहा है, कोई अम्मा कुछ बेच रही हैं, टूरिस्ट्स हैं नीचे जो फिर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग. और मैंने ये ओटमील बोल मंगवाई थी तो अच्छा सॉलिड किस्म का अब ब्रेकफास्ट बस कर लिया हमने. मेरा ऑनेस्टली दिल कर रहा है कि एक दो और घंटे होते हमारे पास और हम नीचे छोटी छोटी गलियों में जाते और वियतनाम इंशाल्लाह फिर आएंगे. तो हम तीनों जल्दी जल्दी से वापस आए अपने होटल बिकॉज़ वी वर थिंकिंग कि टैक्सी ड्राइवर ना आ गया हो. जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं और टैक्सी आ गई है और अब हमें बस सामान रखना है एंड वी आर गोना बी ऑन आवर वे. गुड बाय वियतनाम, हम आपको बहुत याद करेंगे. ओल्ड टाउन से लेके एयरपोर्ट का सफ़र बहुत खूबसूरत था एंड वी वर वेरी सैड टू से गुड बाय टू दीज ब्यूटिफुल स्ट्रीट्स. हम तीनों को कहीं ना कहीं ये पता है कि एक दिन हम वियतनाम ज़रूर वापस आएंगे एंड बिफोर वी न्यू इट वी हैड ऑलरेडी रीच द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पहुँच के हमने जल्दी से अपना सामान गाड़ी से निकाला एंड वी रश्ड इनसाइड. एज यूजुअल हमें लग रहा था हम लेट हो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. आराम से हमारा सामान चेक इन हो गया एंड बहुत सुकून से हमने डिपार्चर्स पे एंटर किया. वी पुट ऑल आवर स्टफ टुगेदर एंड वी वर ईजिली चेकड इन. चेक इन करने के बाद हमने थोड़ा बहुत सनसेट भी इंजॉय किया विच वॉज़ अ वेरी नाइस बोनस. एंड हमारी फ़्लाइट आज बतीक एयरवेज है. दिस इज़ अ मलेशियन फ्लाइट. आई लव्ड द स्टाफ एंड वी हैड अ सुपर रिलैक्सिंग फ्लाइट. तो हम फाइनली मलेशिया पहुंच गए हैं. इस वक्त हम कुआलालंपुर में खड़े हुए हैं. वी स्टिल इनसाइड द एयरपोर्ट. हर चीज़ अल्लाह का शुक्र बहुत स्मूथ थी और इमिग्रेशन सुपर स्मूथ. तो अभी हम बाहर आए हैं. पहले हमने सोचा था हम ये क्लिया एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ें और अपने होटल जाएं, बट फिर हमने कैलकुलेट किया और टैक्सी हमें सेम अमाउंट पड़ेगी, चीपर पड़ेगी टैक्सी, और यहाँ से रफली 40 मिनट्स लगेंगे. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू द होटल बिकॉज रात के अभी 10:30 हो रहे हैं,
हम जाएंगे एयरपोर्ट के लेवल 2 एंड हम खाएंगे हलाल खाना. वियतनाम से आने के बाद काफ़ी बड़ा कल्चर शॉक लगता है, बिकॉज वी स्पेंट लाइक 1 month देयर, तो हर चीज़ हलाल है, मुसलमान है, बहुत मज़ा आ रहा है. यहाँ पे बस हम लोग अब बाहर आ गए एयरपोर्ट के और यहाँ पे हमने ग्रैब जो है वो ऑर्डर कर दी है, तो ग्रैब मेरे ख्याल से किसी भी टाइम पे आने वाली होगी. ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है हमारा बहुत अच्छा रहा. बतीक एयरलाइन ने जो है वो बहुत ज़्यादा हमें सरप्राइज़ किया. हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी एयरलाइन होगी, इतनी अच्छी सर्विस होगी, और हर चीज़ जो है वो टाइमली हुई है. बस एक थोड़ा सा मसला हुआ था कि 1 घंटा हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से उन्होंने मेकअप कर दिया था. जिस तरह की एक्सेप्शनल सर्विस थी, भले वो खाना हो या फिर लेग रूम की बात अगर की जाए, अच्छा तो हम लोग तकरीबन 4.5-4 महीने से ये साउथ ईस्ट एशियन जर्नी पे निकले हुए हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ हमने विजिट की अब तक के सफ़र में. शुरुआत हमने थाईलैंड से की थी, उसके बाद हम गए थे म्यांमार 1 दिन के लिए, फिर लाओस गए, फिर कंबोडिया, वियतनाम, और अब फाइनली हम लोग मलेशिया पहुंच गए, आज ही पहुंचे हैं. थकन तो एक साइड पर है ही है, क्योंकि आप जब इतनी लंबी जर्नी पर निकलते हो तो आप थोड़ा बहुत थक जाते हो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और वैसे भी जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो, बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो, वो भी लैंड के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत थका देती हैं. लेकिन एक चीज़ जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, मतलब अगर मैं मलेशिया पहुँचने की गर्ज से बताऊँ तो हम हलाल खाने के इंतज़ार में थे, भले वो वेस्टर्न फूड हो, मलेशियन खाना हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, जापानीज़ हो, सारी चीज़ें यहाँ पर हलाल आपको आराम से आसानी मिल जाती हैं. तो इसलिए खुशी का आलम जो है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है. और मेरे पीछे जो है वो मैकडॉनल्ड्स है. लास्ट टाइम जो हमने मैकडॉनल्ड्स खाया था वो कराची में खाया था, पाकिस्तान में. उसके बाद ज़ाहिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, वहाँ पे कोई हलाल नहीं है मैकडॉनल्ड्स. उसके बाद हमारी साउथ ईस्ट एशियन सीरीज का आगाज़ हो गया था. कुल मिला के मेरे ख्याल से 7-8 महीने से हमने मैकडॉनल्ड्स नहीं खाया है. कोई इतना शौक नहीं है हमें मैकडॉनल्ड्स खाने का, लेकिन ज़ाहिर है वो एक हलाल जब खाना आपको मिलता है और वो भी हलाल मैकडॉनल्ड्स मिलता है, तो खुशी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए हम लोग सीधा मैकडॉनल्ड्स पहुँचे, तो देखते हैं कि क्या क्या है मलेशियन मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में. तो ये मुझे लग रहा था, क्योंकि हम मलेशिया पहुंच गए तो यहाँ पे अयाम गोरेंग, नासी लेमाक, ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं. अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या लेना चाहिए. हम पहले चिकन में देखते हैं अयाम गोरेंग में क्या क्या ऑप्शन है. तो यहाँ पे अयाम गोरेंग में स्पाइसी ऑप्शन भी है, रेगुलर भी है, ओरिजिनल जो रेसिपी है. और इसके अलावा नासी लेमाक में क्या है, यहाँ पे अंडे नज़र आना शुरू हो गए हमें. तो यहाँ पे पीनट्स हैं, एंचोवीज हैं ड्राइड, उसके साथ साथ चिकन पीसेस हैं और चावल हैं. बर्गर्स में है, ओ अच्छा ये क्या है, स्वीट एंड स्पाइसी चिकन. एक तो ये कर देते हैं फौरन. अच्छा ये बर्गर जो है, ये स्वीट एंड स्पाइसी चिकन जो हमने लिया है, इसके बारे में हमने यहाँ मलेशिया आने से पहले बहुत सुना था, और हमें लोगों ने यही कहा था जो हमारे 2-3 मलेशियन जानने वाले हैं कि यहाँ मैकडॉनल्ड्स में जो ये आपको स्वीट एंड स्पाइसी चिकन मिलता है ना मलेशिया में, ये कहीं और नहीं मिलता. बहुत ही मज़े का होता है और बिल्कुल सॉसी होता है, तो ऐसा लग रहा होता है कि स्मैश्ड बर्गर है, वेट बर्गर जैसे होता है गीला, बिल्कुल वैसा है. तो ये हम ज़रूर ट्राई करेंगे. उसके साथ साथ हॉट चाय मिल रही है. अच्छा तो अभी एयरपोर्ट से अपने होटल तक के रास्ते में हमने मुतादिर मेरे ख्याल से बिलबोर्ड्स देखे होंगे. हर जगह जो है वो मैकडॉनल्ड्स के ये वाले बर्गर जो है ना, इनकी तस्वीरें लगी हुई थी. और मैं इंतज़ार से यही कह रहा था कि यार हमने कभी आज से पहले ये ब्लैक बर्गर नहीं देखा है, लेकिन अब मौका मिल गया है ट्राई करने का, तो मैं बगैर किसी इंतज़ार करवाए अपने हाथ थोड़े से गंदे करूँगा और ये बर्गर की पहली बाइट लूँगा. इंतहाई सॉसी है और बहुत लजीज है, बहुत मज़े का है. चिकन जो है वो वैसी है जैसे चिकन पैटी होता है, क्रिस्पी है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक लेयर है चीज़ की, उसके ऊपर लेटस है, लेकिन सारा जो गेम है ना वो है इस सॉस का. कोरियन स्पाइसी सॉस है, स्वीट है, स्पाइसी है, हल्की सी टैंगी भी है, बहुत मज़े की है.
अब मुझे मेरे ख्याल से समझ आ गया कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के चर्चे क्यों हैं इतने मलेशिया में, क्योंकि जो भी चीज़ होती है, भले वो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हो या यहाँ की नासी लिमाक हो या यहाँ की जो स्पाइसी चिकन होती है वो हो, अपने हिसाब से थोड़ा सा आप मलेशियन ट्विस्ट देके चीज़ों को बनाते हैं। वाकई में ज़बरदस्त बर्गर है, इस तरह का बर्गर मैंने नहीं खाया आज से पहले। अच्छा, तो यहाँ पे बर्गर हमने ट्राई कर लिया और बर्गर के साथ साथ हमने फ्राइड चिकन भी मंगवाई है। ओरिजिनल नहीं मंगवाई हमने, आयाम स्पाइसी मंगवाई है, क्योंकि मैं और इम्तिसाल दोनों थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। ये चीज़ वैसे ऐसी है जो KFC पे खाई जाती है, या KFC इसकी वजह से जाना जाता है, क्रिस्पी फ्राइड चिकन की वजह से। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ जगहों पे, हमने साउथ ईस्ट एशिया में देखा है कि यहाँ पे KFC के अलावा जैसे बर्गर किंग है या मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पे भी मिलती है फ्राइड चिकन। तो यहाँ मलेशिया में बिल्कुल वही हिसाब किताब है, फ्राइड चिकन ट्राई करते हैं। बहुत मज़े की है, बिल्कुल सॉफ्ट है, टेंडर है, मीट बिल्कुल अच्छी तरह से गला हुआ है और अभी अभी फ्रेश बन के निकली है स्पाइसी, लेकिन हमारे हिसाब से फिर भी मतलब स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना है कि आप आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। अच्छा, मेन्यू पे सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है वो तेतरीक। तेतरीक मलेशियन चाय होती है और फ्लाइट के बाद थकन हो गई है, सो ये मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ तेतरीक। लेट मी जस्ट ओपन इट अप ताकि इसका रंग नज़र आ जाए। चाय का बहुत दिल कर रहा था तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया, इसको मैं ट्राई करूँगी सबसे पहले। इसका ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे पाकिस्तान में जो मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पे भी चाय मिलती है, काइंड ऑफ सिमिलर टेस्ट है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा मीठी है, दूध का एक प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है। ये मैं बंद करूँगी और बर्गर ट्राई करूँगी। ये स्वीट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन बर्गर है, पहली दफ़ा मैंने ब्लैक कलर का बन देखा है। I was pretty curious कि black क्यों है, and it's black because I think it's charcoal in it. I think that's why it's black. Wow, that is pretty saucy, that burger. Oh wow, that's amazing. The chicken is super crispy, और इस पे जो batter लगा हुआ है, it's really crispy. The chicken is soft on the inside, और lettuce है, चीज़ है, एंड देन द बन। इस बन को थोड़ा सा मैं अकेले भी ट्राई करूँगी। बन का कोई प्रोमिनेंट फ्लेवर नहीं है, बट इट डज नॉट टेस्ट लाइक अ नॉर्मल बन। जो नॉर्मल बन आता है मैकडॉनल्ड्स का, दिस इज डेफिनेटली डिफरेंट, लेकिन या इट्स नॉट एज स्वीट एज दैट बन। दिस इज ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स आई हैड, और जो सॉस है इट्स एक्स्ट्रा सॉसी, सो इट मेक्स इट इवन बेटर। जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ सॉसी इट इज, ये सॉस है और ये लिटरली निकल रही है, एंड इट्स गोइंग एवरीवेयर। आई एम गोना हैव अनदर बाइट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स आई हैव एवर हैड। अच्छा, तो यहाँ मैकडॉनल्ड्स पे रात के इस पहर इतने लोगों को देख के, इतना रश देख के, भले वो लोकल्स हों या मलेशियंस हों, एक बात तो तय है कि यहाँ पे लोगों को जो है वो मैकडॉनल्ड्स खाना बहुत पसंद है, और क्यों ना हो, वाकई में खाना जो है वो लाजवाब था, बहुत ही मज़े के फ्लेवर्स थे और हमने वाकई में खुल के इन्जॉय किया है। अच्छा, अगर मैं प्राइस के हवाले से बात करूँ तो मैकडॉनल्ड्स बहुत चीप ऑप्शन था। मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे बहुत महंगा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वेस्टर्न फूड है, तो यहाँ पे बर्गर्स और ये जो फ्राइड चिकन है ये सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। हमने दो पीसेस चिकन लिए जो कि 13 रिंगिट के थे, और उसके साथ हमने एक बर्गर लिया वो भी 13 रिंगिट का था, और एक हमने चाय ली थी तेतरी। तो ये टोटल मिला के तकरीबन 30 रिंगिट्स का बिल बना था, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से $7 बनते हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन था। अच्छा, तो इसी शानदार किस्म के नोट पे हम आज की इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं मलेशिया कुआलालंपुर को एक्सप्लोर करूँ, तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो होने वाला है, एंड इट्स गोना बी रॉ, इट्स गोना बी इन इमी एंड तानी स्टाइल। तो मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, और कॉमेंट्स में ये ज़रूर बताएँ कि कल हमें कौन सी जगहें एक्सप्लोर करनी चाहिए। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।